जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी में। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर जो ये वायरल हो रहा है एग्जाम होगा या नहीं होगा। 31 अक्टूबर को जो आप एग्जाम की इस समय डेट देख रहे हैं, सभी चैनल पे लगातार आपको दिखाया जा रहा है। मैंने 7 एआरओ पे बात किया हुआ है, ये बिल्कुल सही जानकारी है। आपकी एग्जाम 31 अक्टूबर को कराया जाएगा। आप अपनी तैयारी बहुत ही जोरों के साथ शुरू कर दें, 31 अक्टूबर को ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन अभी जैसा आपने एक पंपलेट देखा होगा वायरल हुआ है, जो कि जयपुर एआरओ के बाहर जो चिपका हुआ था कि 11 अक्टूबर से एडमिट कार्ड मिलेंगे। मैंने जयपुर एआरओ पे बात की है, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है कि 11 तारीख से आपके एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे। इसकी डेट आप एआरओ पे लगातार संपर्क में बने रहिए, आप बार बार फ़ोन करते कहीं पूछते रहिएगा कि सर हमारे एडमिट कार्ड कब से मिलेंगे, क्योंकि आप जो भी एडमिट कार्ड जारी होंगे वो नए सिरे से जारी होंगे और नए एडमिट कार्ड ही आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपकी जो भर्ती की परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी 31 अक्टूबर को ही कराई जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें ताकि आप किसी भी तरीके से मौका ये गंवाएं नहीं, क्योंकि दो दो साल से भर्तियां नहीं आ रही हैं। आप लगातार देख रहे हो कि दो दो साल से भर्तियां पोस्टपोन हो रही हैं। ऐसे में अगर आपने ये चांस खो दिया तो आपके लिए बहुत ही फिर मुश्किल हो जाएगा भर्ती होना। और सभी एआरओ को मैं बता दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपकी भर्तियां अक्टूबर से नवंबर में रैली खुल जाएगी, क्योंकि इस समय रैली की जगह रिलेशन भर्तियां कराई जा रही हैं। और जैसे ही रिलेशन भर्तियां ख़त्म होंगी आपकी रैली भर्ती को स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखें, अक्टूबर और नवंबर में आपके सभी एआरओ की भर्तियां खुल जाएंगी। और जो के ऑनलाइन हो चुके हैं, बरेली का, मेरठ का और बनारस का, इनकी भर्ती आपकी नवंबर में कराई जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और जितनी बेहतर हो सके सुपर एक्सीलेंट रेस मारने की कोशिश करें, ताकि आपका यही चांस आपका आखिरी चांस हो। अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम अपने चैनल पे आपको तुरंत सूचना देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर ऑन कर लें, ताकि नया वीडियो जैसे ही आपके पास पहुंचे तो आप उस वीडियो को सही जानकारी आप तक पहुंच पाए। बाकी आप जितना वीडियो शेयर कर सकें ताकि सभी बच्चों को जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।